चैप्टर था टेस्ट ऑफ द सीरीज, उसमें टेस्ट किसी सीरीज का टेस्ट करने के लिए हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े। अब हम ये समझते हैं कि कौन सा टेस्ट कब और क्यों अप्लाई करते हैं, और क्वेश्चन अगर हमें गिवेन है तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, इसकी क्या पहचान है। दोबारा से हम इसकी पूरे चैप्टर की समरी पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, लेट सिग्मा यू एन बी गिवन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें एक सीरीज दी होगी और उस सीरीज की सारी टर्म कैसी होंगी पॉजिटिव। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका एनेट टर्म फाइंड करेंगे यू एन, फिर हम उसको लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करके देखेंगे कि यदि इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, देखिए नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम कह देंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है। ओके, स्टार्टिंग है यहाँ से। तो यू एन की लिमिट हम फाइंड कर सकते हो और उसकी अगर वैल्यू नॉन जीरो हो तब हम कहेंगे सीरीज डाइवर्जेंट, और यदि सीरीज लिमिट इनफाइनाइट पर यू एन की लिमिट ज़ीरो हो तो हम ये नहीं बता सकते कि सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। तो यहाँ दोनों ऑप्शन होंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है या फिर कन्वर्जेंट। इसका मतलब जीरो पर हम आंसर नहीं दे सकते कि लिमिट अगर ज़ीरो आ गई तो हम नहीं बता सकते। इसके आगे हमें फिर अगले टेस्ट अप्लाई करने होंगे। अगर यहाँ तक आंसर आ जाता है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, लेकिन अगर जीरो आ जाता है तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में हम एक सेलेक्ट नहीं कर सकते, तब हमें आगे टेस्ट की ज़रूरत पड़े। ओके, आगे हम देखते हैं अब हम कौन कौन से टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इफ़ यू एन कैन अरेंज्ड एज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, इन यू एन ऐसा हो जिसको हम अरेंज कर सकें एल्जेब्रिक फंक्शन में एन के पदों में। देखिए, एल्जेब्रिक फंक्शन आप समझते ही हैं, अगर हम ये कहें यू एन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया जिसमें एन की पावर वन है, डिनोमिनेटर में टू है, मतलब कुछ भी अलग अलग बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन होंगे तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, एक एक करके हमें पहचान करनी है। आगे देखिए, अब यदि कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं हुआ, मान लो यू एन ऐसा नहीं है हमारे पास जिससे हम ऑक्जिलरी सीरीज बना सकें, ऑक्जिलरी सीरीज बनाने का मेथड हम जानते हैं, तब हम देखेंगे क्या इस यू एन में, देखिए लिखा है इफ एन अकर्स एज एन एक्सपोनेंट इन यू एन, यू एन में क्या होगा, जो एन होगा वो एक्सपोनेंट में होगा यानी पावर में होगा। इसका मतलब फंक्शन ऐसा होगा जिसमें एन की पावर होगी, जैसे कि हम ये कह सकते हैं वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन स्क्वायर, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तब हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन के लिए एल्जेब्रिक फंक्शन हो और कॉची रूट टेस्ट के लिए क्या हो, जो एन हो वो एक्सपोनेंट में हो, एक्सपोनेंट मतलब पावर में हो, घात में हो, तब सीधी पहचान है कि हम इसमें कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों बात नहीं है, मान लो यू एन एल्जेब्रिक नहीं है, यू एन ऐसा भी नहीं है, और यू एन अब इस टाइप का हो सकता है कि उसमें एन का फंक्शन हो और एक्स एक नॉन अननोन नंबर हो। ठीक है, तब हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं डी एल एम बॉल्ट रेशियो टेस्ट, उसका हम क्या करेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की क्या लिमिट फाइंड आउट करेंगे, किसकी, यू एन अपॉन यू एन, यू एन क्या है एनेट टर्म ऑफ सीरीज, उसी से हम यू एन प्लस वन निकाल लेंगे, एन प्लस वन एट टर्म ऑफ सीरीज, दोनों को डिवाइड करने के बाद हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट यदि ग्रेटर देन वन होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, और लेस देन वन होगी सीरीज डाइवर्जेंट, यदि उसकी वैल्यू वन होगी तो क्या कहेंगे रेशियो टेस्ट फेल। अब जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो हमारे पास तीन ऑप्शन, हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें,
देखिए अब हम ये दिखाएंगे जब एक्स इक्वल टू वन पर टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन देखेंगे ये कैसा है। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में हम देखेंगे, कंपैरिजन में हम ये देख लेते हैं कि कहीं कंपैरिजन तो नहीं लगेगा। तो यू एन जो होगा उसमें हम एक्स की वैल्यू वन लिखने के बाद ये देखेंगे कि कहीं ये एल्जेब्रिक फंक्शन तो नहीं बन गया एल्जेब्रिक, जैसा कि हमने अभी कंपैरिजन में बताया। ठीक है, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन बन गया तो यू एन की हेल्प से हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के बाद सीरीज बता सकते हैं डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। इसका मतलब एक ऑप्शन है कंपैरिजन टेस्ट का। तो पहचान हमें होनी चाहिए कि एक्स इक्वल टू वन पर रेशो टेस्ट फेल हुआ, एक्स इक्वल टू वन हम कहाँ पुट करेंगे, यू एन में पुट करके देखेंगे। तो अगर यू एन ऐसा फंक्शन बन जाता है कि एल्जेब्रिक फंक्शन हो, उसकी ऑक्सिलरी बना के हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे यू एन ऐसा नहीं है, तब हम देखेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ये कैसा फंक्शन है। अगर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है हम देना, इसमें यू एन को देखना है केवल, इसको नहीं देखना है, केवल यू एन को देखना है कि ये एल्जेब्रिक है या नहीं, तो कंपैरिजन अप्लाई कर लेंगे। बाय द वे ऐसा नहीं है यू एन, तो हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेट है, एक्स इक्वल टू वन हम किस में पुट करेंगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, जो कि डी एन एम बल्ट रेशो टेस्ट में वैल्यू हमने फाइंड आउट की होगी। वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू वन लिख कर उसके बाद ये चेक करेंगे कि कहीं ये एल्जेब्रिक फंक्शन तो नहीं है। अगर ये एल्जेब्रिक है तो राबीज टेस्ट अप्लाई, राबीज टेस्ट हम बता चुके हैं क्या होता है। आज हम ये बता रहे हैं कि कैसे हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर आ सके। तो डी एल एम बल्ट के बाद हम कौन सा लगा सकते हैं, कंपेरियन भी लगा सकते हैं, रावेज भी लगा सकते हैं टेस्ट। इसके बाद तीसरा टेस्ट और है, तीसरा मतलब अल्टरनेटिव और है रेशो टेस्ट के बाद, तीन अल्टरनेटिव है। तो अब यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, अगर इसमें क्या हो एन अकर्स हो, यानी एन एक्सपोनेंशियल हो, ध्यान देना यू एन अपॉन यू एन प्लस वन एल्जेब्रिक हुआ तो रावेज टेस्ट। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू एक्स इक्वल टू वन लिखने के बाद कैसी हो, एन एक्सपोनेंट में आ जाए यानी पावर में हो, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, टेस्ट हमने सारे क्लियर करा दिए। आज हम प्रोसीजर समझ रहे हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया एग्जाम में हम कैसे देखते जाएंगे। बहुत तेज़ी से हमें देखना है लॉगरिथमिक टेस्ट। अब देखिए, अब अगर रावेज टेस्ट फेल हो जाता है, जहां हमने फॉर्मूले में बताया एक्स इक्वल टू वन, तो रावेज टेस्ट फेल, तो रावेज टेस्ट फेल होगा तब हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स एंड वेल्ट्रांस टेस्ट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमने बता दिया, एग्जाम्पल करा दिया, तो यहाँ का क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। ओके।